सो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और पी रहा हूँ गर्म पानी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत सारी जलेबियां खा के बैठा हूँ। और जलेबी से मेरे को याद है, बहुत सारे यार दुकान वाले अपने यहाँ पे जोधपुर में भी, जितने भी लोग मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे को बताना, एक वो जलेबी नहीं होती पतली पतली सी, बिल्कुल जो मतलब थोड़ी देर बाद ऐसे सूखी सूखी सी हो जाती है, वो किसको पसंद है? क्रिस्पी जलेबी कैसी होनी चाहिए? थोड़ी सी मोटी, रस भरी, मतलब थोड़ी देर बाद भी खाओ ना, कि मतलब गर्म नहीं हो, ठंडी हो जाता हो, अभी खाने में आनंद आ जाए। मुझे तो भाई वैसी ही जलेबी पसंद है। मम्मी इधर आओ, कम हियर, लेट मी कॉल प्रमिलास कुक बुक हियर। आइए आइए आइए, हम रोकेंगे नहीं रिकॉर्डिंग, हमारी बिल्कुल अलग तरीके की ब्लॉगिंग होती है, भयानक वाली। मम्मी जलेबी कैसी अच्छी लगती है आपको? जलेबी तो कई बार लोग देखते हैं, बड़ी बड़ी जलेबियां पतली 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 वाली, और वो है ना अच्छी नहीं लगती है। वो बल गरम खाओ तो फिर थोड़ी ठीक लग जाती, लेकिन लेकिन अपने यहाँ एक दुकान है सेवा राम की, वो सालों पुरानी दुकान है, उसकी जलेबी थोड़ी मोटी और थोड़ी सी चाशनी यानी रस भरी होती है। वो मैं अभी तो खा के वही बैठे हम, भले ही मैं तो एक खाऊंगी लेकिन खाऊंगी तो वही। वो तो पतली जलेबी मुझे नहीं पसंद है, वो जलेबी तो रस भरी होती है भाई। जलेबी रस भरी नहीं खाई तो क्या खाया? क्या खाया बताओ? कुछ नहीं खाया। नहीं बताओ क्या खाया? खाऊंगी नहीं। ये भी मेरे दिमाग में ना दो लाइनें आ रही है, क्या है, मैं स्पॉन्टेनियस लाइंस काफी बनाता रहता हूँ, वो अब धीरे धीरे आपको ब्लॉग में वो भी एक टैलेंट मेरा पता पड़ेगा। जलेबी नहीं खाएंगे हम थकेली, जलेबी नहीं खाएंगे हम थकेली, अच्छी मोटी मोटी रस भरी जलेबी हमने अपने पेट में धकेली। तकिया कलाम तो जैसे ही नहीं धकेली थकेली और फिर धकेली, ऐसे क्या है, लोग इंस्पायर हो जाते हैं, मम्मी इंस्पायर हो रही है, ऐसे हो रहा है, बहुत झूठ बोल रहा है, बहुत झूठ बोलता है। बोलो बोलो क्या क्या कहना चाह रहे हो आप? नए वर्ष में सुबह सुबह खींचे मैंने अर्जुन के कान, आगे मुझे नहीं आता। क्या है हमारा राष्ट्रगान? नहीं नहीं आप बोलूंगी। अच्छा देखो कट नहीं लगेगा अपना, रो ऐसे ही चलता है, बताओ बताओ। सुबह सुबह खींचे मैंने अर्जुन के कान ताकि ये गाए हमारा राष्ट्रगान। ओ मेरे राष्ट्रगान वाली लाइन उठाई हो, खुद का बताओ, खुद का बताओ। ये तो चीटिंग है भैया। हाँ हाँ, और जा रहे हैं हम अपनी नानी के यहाँ, अपनी नहीं, जा रहे हैं हम मेरी नानी के यहाँ। मेरी तो मम्मी है। ठीक है, अभी सूझ नहीं रहा। तो भाई नानी सा के लिए, मतलब नानी सा के लिए, नानी सा के घर जाने के लिए हम तैयार हो गए हैं। देख लो मम्मी ठंड लग रही है, अब है दो दिन से ठंड है भाई। मम्मी को कभी कभार ही, मतलब मैं कहता हूँ, बोलता है कि तू सॉल नहीं ओढ़ी तो मैंने ओढ़ लिया। हाँ तो सही बात है, ओढ़ती नहीं मम्मी। खैर वो बात नहीं है, देखो अपने को व्लॉग में चाहिए, मेरे व्लॉग में चाहिए फुल इज्जत, और फुल इज्जत ऐसे नहीं मिलती है, यू हैव टू अर्न इट, कमानी पड़ती है। तो मैंने लाइन सोच ली है, मुझे टाइम नहीं लगा, मैंने झट से सोच लिया। अब सुनो आप, बीट दो आप मेरे को, छोड़ो बस आप सुनो। नानी के घर खाना है खाना, मेरे घर के नियर है एक थाना। नानी के घर खाना है खाना, मेरे घर के नियर है एक थाना। चोरी चकारे की अड़ने की अगर सोची तो मुंडा करूंगा मैं थारा काला। ठीक है, बहुत ही घटिया था भाई। गाड़ी के अंदर और देखो तो सेवाएं, देखिए देखिए, मतलब वाह, इसे कहते हैं प्यार। तो भाई हम नानी सा के घर से आ चुके हैं और अब बन रहा है खाना। है भाई मम्मी, खाना बन रहा है, घर पे आ गए हैं। एक चीज और कि भाई अभी जैसे रीकैप रिवाइंड वीडियो जो बनता है ना साल के एंड में, जितने भी मतलब वीडियोस का कंपाइलेशन, क्या क्या अचीवमेंट्स रही, क्या क्या नहीं रही, है भाई मम्मी, तो मम्मी के चैनल पे प्रमिला सुबू को डाला है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया, आप जाके जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा हो तो। उसका लिंक भी मैं इसी के नीचे कमेंट बॉक्स में कहीं पे पिन कर दूंगा, वो देखना जरूर, बहुत अच्छा वीडियो है वो। मतलब उससे आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी, मतलब कोई चीज करनी हो ना लाइफ में तो सब कुछ पॉसिबल है, अगर करना चाहो तो ही पॉसिबल है, नहीं करना चाहोगे तो फिर तो जो पॉसिबल हो रहा होगा वो भी नहीं होगा। लेकिन उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत मस्त है। ऑल राइट गाइस, अभी नेक्स्ट डे है और ये देखो शानदार पनीर की सब्जी और ये कड़ी वाली रोटी, जस्ट लाइक लच्छा पराठा मम्मी बनाती है, और बहुत ही मतलब क्लास की सब्जी है, और साथ में नेटफ्लिक्स सामने चला के बैठा हूँ, बहुत मजा आ रहा, आनंद आ रहा है। और ये क्रिएटर खुद आ गई है, ये देखिए बहुत शानदार सब्जी है मम्मी, लाइक ऑलवेज। अभी इंजॉय कर रहा हूँ शानदार पनीर की सब्जी, और ये और ऐसी बाहर भी नहीं मिलती है, और खैर बनती तो सब जगह ही है लेकिन बनाने बनाने वाले का फर्क पड़ता है, और ये बिल्कुल एकदम सटीक और कड़क सत्य है। और काफी लोगों ने मेरे को भाई मैसेज किया कि इंस्टाग्राम पे, कि भाई एक काम करो, नया साल स्टार्ट हो गया, फूड ब्लॉग्स बनाना वापस से
शुरू कर दो। तो मैं क्यों फूड ब्लॉग्स नहीं बना रहा हूँ, नहीं बनाता हूँ, कहीं जाते हैं तो थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पक्के से पक्का डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर उस रीजन से एग्री करो ना तो मुझे नीचे कमेंट चाहिए। कमेंट नहीं करते हो क्योंकि तुम लोग, मुझे कमेंट चाहिए, मेरे को बताओ तुम्हारी क्या राय है उस चीज के ऊपर, ताकि मुझे भी पता पड़े कि तुम एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लाइक करके छोड़ देना एक, मतलब ऐसा लगता है आधा अधूरा सा, नीचे लिख के जरूर बताना मुझे। गाइस यहाँ पे बन रही है रेसिपी अभी, और अभी ये मम्मी हिला रही, तो मैंने कहा लो थोड़ा आपका हाथ वाथ नहीं दुखे, मैं हिला देता हूँ। तो दो बार मेरे को हाथ चलाते हुए देखा, उसकी मम्मी ने मेरे को वापस से पीछे कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था। क्या मम्मी, मैं रेसिपी बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ कभी कोई? भाई मम्मी, और यार आज भाई पकोड़ा बड़ा जबरदस्त बनाया मम्मी ने, वो मम्मी के चैनल पे देखना। और ना वो जो कहते ना ईयर एंड वाला रीकैप, अगर वो नहीं देखा था वो देखना, वो बहुत मजेदार चीज है कि नहीं मम्मी? वो जरूर देखना भैया, इसमें लिंक दे दूंगा अगर मेरे को याद रह गया तो। भैया देखना जरूर, बिल्कुल देखेंगे, मैं देख लूंगा वापस, ये नहीं देखेंगे तो वापस मैं देख लूंगा उसको। मुझे बड़ा मजा आया उसको देख के, इसी वेरी चालाक ब्रो के साथ। ओह माय, क्या चल रहा है? चल रहा है लड्डू बंडे पिंडी मंडी, चल रही है खुरपा, चल रहा है। अभी मैंने चलाया तो मेरा तो चलना नहीं था, तुम्हारा नहीं चलता है, हमारा चलता है। तो भाई चलो भाई, ये बहुत एक्सक्लूसिव लड्डू है, इसका भी शूट हो रहा है और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड किए देता हूँ। और हाँ, अगले व्लॉग में मैं जरूर बताऊंगा कि मैं फूड व्लॉगिंग क्यों नहीं करता हूँ ज्यादातर। ओहो, एप्रिशिएशन। ठीक है तो भाई, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। बिल्कुल, चलो भाई बाय। और हाँ, अगले व्लॉग का इंतजार करना, क्यों फूड व्लॉगिंग नहीं करता हूँ ज्यादातर, काफी राज खुलेंगे, बड़ा मजा आएगा।